नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज लखनऊ समेत 20 जिलों में मतदान शुरू हो गया है। 20,929 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 57 कंपनी पीएससी और 10 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनात की गई है और भारी संख्या में मतदाता भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदान करने पहुंचे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण देश की राजधानी दिल्ली के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए चांदनी चौक मार्केट एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। व्यापारियों ने 25 अप्रैल तक अपनी मर्जी से चांदनी चौक बाजार को बंद करने का फैसला किया है। वहीं खारी बौली मार्केट के दिल्ली किराना कमेटी और तिलक बाजार केमिकल मर्चेंट एसोसिएशन ने अपनी मर्जी से मार्केट को 21 अप्रैल तक के लिए बंद करने का निर्णय लिया। चांदनी चौक ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष संजय भार्गव ने कहा, आज चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए 25 अप्रैल तक मार्केट बंद कर दिया जाए। देश भर में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। इसे देखते हुए राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ा दिया है। इस बारे में गाइडलाइन जारी कर दी गई है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था, जिसमें राज्य की दुकानें और बाजार शाम 5 बजे बंद होने के आदेश शामिल थे। वहीं शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहने के भी निर्देश दिए थे। ये कर्फ्यू 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लगाए जाने की बात थी, लेकिन अब राजस्थान में कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक अब राजस्थान में 3 मई तक कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। वहीं 19 अप्रैल को सुबह 5 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक, जब अनुशासन पखवाड़ा के रूप में मनाने के साथ साथ नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। दिल्ली कैपिटल के ओपनर शिखर धवन का इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 14वें सीजन में शानदार फॉर्म जारी है। उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ 92 रनों की पारी खेली। धवन का यह सीजन में दूसरा अर्धशतक है। उनके इस पारी के दम पर दिल्ली ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। धवन इस सीजन में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हो गए हैं, यानी ऑरेंज कैप धवन के पास आ गई है। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ग्लेन मैक्सवेल को पछाड़ा। शिखर धवन ने 3 मैच में 62 की औसत से 186 रन बनाए हैं। वहीं मैक्सवेल के 3 मैचों में 58.66 की औसत से 176 रन बनाए। दोनों के बल्लेबाजी के नाम 2-2 अर्धशतक हैं। कोरोना संक्रमितों के उपचार में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने विशेष मामलों को छोड़कर औद्योगिक कार्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को सीमित कर दिया है। सरकार की कोशिश है कि उद्योगों को आपूर्ति की बजाय ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई हॉस्पिटल में की जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को सहायता मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके। केंद्र सरकार का यह फैसला 22 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। हालांकि 9 उद्योगों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। माँ कालरात्रि नवदुर्गा का 7वां स्वरूप है। ये 3 नेत्रधारी हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की अद्भुत माला है। इनके हाथों में खड़ग और कांटा है और इनका वाहन गधा है, लेकिन ये भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इस बार माँ कालरात्रि की पूजा सोमवार यानी कि आज 19 अप्रैल को की जा रही है। इनकी उपासना से क्या लाभ है? दरअसल शत्रु विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए इनकी उपासना अत्यंत शुभ होती है। इनकी उपासना से भय दुर्घटना तथा रोगों का नाश होता है। इनकी उपासना से नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता। ज्योतिष में शनि नामक ग्रह को नियंत्रित करने के लिए इनकी पूजा करना अद्भुत परिणाम देता है। आपको बता दें कि फिलहाल नवरात्रों का त्यौहार जोर शोर से मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना की वजह से लोग अपने घरों में ही नवरात्रि को सेलिब्रेट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।